दूध उबलने के लिए रख दिया है। हम बना रहे हैं खीर और चावल हमने धो के रख लिया है, जो कि अब हम इसी स्टेज पे डाल देंगे, जो कि अभी जैसे हमने दूध डाला है ना उबलने के लिए, उसी टाइम पे आप दूध में धोए हुए चावल डाल दें, बासमती वाले टुकड़े। अब इसको एक बार अच्छे से ला देंगे, ऐसे मिला देंगे इसे एक बार हम अच्छे से से, और धीमी आंच पे इसको पकने देंगे बढ़िया। घर वाले बीच बीच में खीर को चलाते रहेंगे बढ़िया से, और अच्छे से चलाते रहेंगे, थोड़ा अच्छे से दूध को जलने देंगे, चावल को अच्छे से पकने देंगे, इसे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अब हम यहाँ पर मम्मी ने चीनी डाल दी है, अब आप जितना मीठा खाते हो आप उस हिसाब से चीनी डालें, अच्छे से मिला देंगे और गैस को कर देंगे ऑफ, और जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहो आप डाल लेना, हम नारियल डालेंगे। यहाँ पे नारियल डाल दो मम्मी, यहाँ पे हमने नारियल डाल, अच्छे से मिला दो। गाइस आपको लाइट की प्रॉब्लम से ना इसका टेक्सचर उतना अच्छे से पता नहीं चल पा रहा होगा, बट बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया इसका। गैस कर देते हैं ऑफ और हमारी खीर होगी रेडी।